हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस ओके एपीएफसी ईपीएफओ एओयू दोनों के लिए जोरदार तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों कसर नहीं रहनी चाहिए पेपर क्लियर हो ना हो जब एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकले तब मन के अंदर ये नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने अपनी तैयारी में कमी छोड़ दी ठीक है ये आशा के साथ हमने पेपर दे करके नहीं निकलना क्योंकि जब आप वो नेगेटिव उसके साथ निकलते हो ना तो आपको ये लगता है यार ये पेपर तो हो सकता था मैंने मेहनत नहीं की तो वो वाला प्रोसेस नहीं रहना चाहिए अपने दिमाग में सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू करेंगे एंड दीज आर द एमसीक्यू कोर्सेज गाइस सोशल सिक्योरिटी आईआरएल और गैप का है ओके okay? आप इसका कॉम्बो भी ले सकते हो एंड यूट्यूब के पीडीएफ फाइल्स के लिए तो आप जानते ही हो एंड इफ हैज टेकन एनी ऑफ दिस कोर्स चाहे वो कॉम्बो कोर्स है या एमसीक्यू कोर्स है तो उसको अलग से पीडीएफ कोर्स लेने की जरूरत नहीं है उसमें इंक्लूडेड रहेगा आपके कोर्स uh, के अंदर पीडीएफ फाइल्स के लिए सिर्फ उन लोगों को लेना जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए एमसीक्यूज नहीं चाहिए ओके okay? सो so, आज जो हम स्कीम डिस्कस करेंगे दोस्तों दैट इज योर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को हम डिस्कस करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सो लेटेस क्विकली स्टार्ट सो so, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान भारत आप जानते हो कि इट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक है डिजिटल मिशन तो बेसिकली कुछ डिजिटल एक्शन यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं इतना तो एक अपने को जनरल आइडिया लग जाता है सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था मेन एम जो है आयुष्मान डिजिटल भारत डिजिटल मिशन का क्या है जैसे आप लोगों के पास अभी क्या है आधार कार्ड है ना कि भाई सबके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है ठीक है तो ये लगा लो ये एक तरीके से हेल्थ सेक्टर का आधार कार्ड है इसके अंदर बेसिकली क्या होगा इस स्कीम के अंदर सरकार क्या करती है कि हर इंडियन सिटीजन को एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाए ये एक यूनिक हेल्थ आईडी होगी हर इंडिविजुअल की अलग एक हेल्थ आईडी होगी इससे क्या होगा बेसिकली एक ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा क्योंकि जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ना वो इस सिटीजन की कैन बी ट्रैक थ्रू दिस हेल्थ आईडी जैसे अभी आपका आधार कार्ड है वो आपके बैंक के साथ भी लिंक्ड है हर चीज के साथ लिंक्ड है तो कुछ भी आपका फाइनेंशियली अब वो देखना तो वो आधार कार्ड डालेगा सब आ जाएगा सिमिलरली ये मैंने जैसे आपको कहा कि हेल्थ का आधार कार्ड तो इससे क्या होगा जो भी इंडियन सिटीजन हैं उनकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है देखो हॉस्पिटल को कितनी अच्छी इसके अंदर हेल्प मिलेगी उसके पास सारे का सारा ट्रैक आ जाएगा कोई भी पेशेंट आएगा इंश्योरेंस फर्म्स के पास सारे का सारा ट्रैक आ जाएगा सिटीजन जो है वो भी अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि उनको हर बार वो कागजों की फाइल उठा करके घूमना पड़ेगा तो एक डिजिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है 2022 में यूनियन कैबिनेट ने इसका कंट्री वाइड इंप्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए एंड इसके लिए 1600 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए गए फॉर द अपकमिंग फाइव इयर्स फीचर्स की बात करें तो एक तो हेल्थ आईडी होगी जो मैंने आपको बताया कि ये हर एक सिटीजन के लिए क्रिएट की जाएगी जो बेसिकली एक एज अ हेल्थ अकाउंट काम करेगा हर सिटीजन के लिए इसके अंदर सब डिटेल्स होंगी जो भी टेस्ट हुआ है उस पेशेंट का कोई भी डिजीज डॉक्टर्स के पास गए मेडिसन जो ली गई हैं डायग्नोसिस सब रिपोर्ट इसके अंदर अपलोड किए जाएंगे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और अभी करंटली ये वॉलेंट्री है यानी कि आपके ऊपर कोई धक्केबाजी नहीं है कि आपको ये बनवाना ही बनवाना है ठीक है कि नहीं तो आपका इलाज नहीं करेंगे आपके पास हेल्थ आईडी नहीं है, तो वॉलेंट्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हेल्प करेगा ताकि हेल्थ डाटा को आप बेटर एनालाइज कर पाओ आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपकी हेल्थ आईडी डालेगा और देख लेगा आपका पिछला जितना भी रिकॉर्ड होगा तो वो एक बेटर एनालिसिस कर पाएगा बेटर प्लानिंग कर पाएगा ठीक है और सरकार के लिए भी काफी यूजफुल होगा क्योंकि सरकार के पास जब रिकॉर्ड होगा सबका तो डेफिनेटली सरकार भी बेटर प्लान कर पाएगी बेटर बजट एलोकेट कर पाएगी बेटर स्कीम्स लेकर के आएगी हेल्थ से रिलेटेड उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल रजिस्ट्री एक तो हो गया आई जो हर एक सिटीजन की क्रिएट की जाएगी उसके बाद ना इसके अंदर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री भी होगी या हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री जिसको हम बोलेंगे इसके अंदर क्या होगा ना जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड है उनके बारे में डिटेल इसके अंदर होंगी सबके सब ठीक सब। है तो बेसिकली जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है या ट्रेडिशनल सिस्टम है जो आपके आयुष uh, के अंदर आ आगे आयुर्वेदिक वगैरह वो सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी ताकि जो सिटीजन हैं वो इजीली एक्सेस कर सकें रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस हेल्थ प्रोफेशनल्स उसके बाद इसके अंदर एक आभा मोबाइल ऐप करके होगी अब ये आभा मोबाइल जो ऐप होगी बेसिकली ये अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेगा ओके okay? तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पूरा नेशन वाइज एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाएगा जहां पर आप मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ठीक है बेसिकली एक इंडिविजुअल थ्रू यूजिंग दिस कैन एक्सेस वेरियस हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देन देर इज अ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स ये बेसिकली क्या है ये ताकि जो अपकमिंग प्राइवेट प्लेयर्स है ना उनको हेल्प किया जा सके कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोडक्ट्स इस डोमेन में लेकर के आए सो सैंडबॉक्स क्या होता है जहां पर आप स्टार्टअप्स को अलाउ करते हो सो देट डे कैन टेस्ट देअर न्यू प्रोडक्ट फॉर ब्रिंगिंग इनोवेशन तो ये डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स जो है वो उसमें हेल्प करेगा देन अक्टूबर 2022 के अंदर इसके अंदर एक और चीज आई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अपने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एक स्कैन एंड शेयर सर्विस लेकर के आया आपने देखा होगा कि अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए तो वहां पर ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि सिलेक्टेड uh, हॉस्पिटल के अंदर स्कैन एंड शेयर सर्विस लेकर के आए यू जस्ट हैव टू गो एंड स्कैन विद योर मोबाइल ऐप एंड योर ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैन बी डन ताकि प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ और फास्ट किया जा सके देन देयर इज डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम ये स्कीम भी आपके आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम के साथ ही लिंक्ड है ये भी अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ के अराउंड ही uh, सरकार ने इसको अनाउंस किया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बेसिकली so स्कीम के अंदर क्या है कि देखो डिजिटल हेल्थ ट्रांजेक्शन को बूस्ट करना है अगर देश के अंदर ठीक है तो आपको जो प्लेयर्स हैं जो इस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा ठीक है तो इसके अंदर क्या है इंसेंटिव का सिस्टम है इंसेंटिव किसको दिए जाएंगे उन हॉस्पिटल्स को या डायग्नोस्टिक लैब्स को ठीक है या जो भी डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या लेबोरेटरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है इस टाइप के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं उधर इंसेंटिवाइज उनको किया जाएगा बेसिकली ताकि डिजिटाइजेशन जो है हेल्थ सेक्टर की बेटर वे में हो सके ओके अब इसके अंदर जो भी एलिजिबल हेल्थ फैसिलिटीज होंगे डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज होंगे उनको अप टू फोर करोड़ रुपीज का इंसेंटिव दिया जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिजिटल हेल्थ हेल्थ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स दे क्रिएट क्रिएट एंड लिंक टू आभा तो जितने डिजिटल वो करेंगे उसके हिसाब से इंसेंटिवाइज यहां पर किया जाएगा और मैक्सिमम अप टू फोर करोड़ हो सकता है तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम क्या है बेसिकली डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर बूस्ट देने के लिए प्रमोट करने के लिए ऑलराइट नाउ बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज किन एंटिटीज को इंसेंटिव मिलेगा ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज जिनके पास दस या दस से ज्यादा बेड्स हैं लैबोरेटरीज रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज इसके अंदर आ जाएंगी ठीक है जो वेरियस डिजिटल सोल्यूशन जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आंसर इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है बट उसके आप टेंशन छोड़ो देखो क्वेश्चन जो हमने किया उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट एम्स टू डेवलप द बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इंटीग्रेटेड हेल्थ आईडी बना रहे हैं हेल्थ डिपोजिटरी बना रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन ही तो लेकर के आ रहे हैं ठीक है जी पॉइंट नंबर वन ठीक हो जाएगा ओके अ सिंगल नॉन लेपल रिजर्व फंड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एड नॉन लैपसेबल रिजर्व फंड के बारे में हमने कुछ पढ़ा इसके अंदर नहीं पढ़ा तो पॉइंट नंबर टू गलत है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अब देखो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर नहीं आती मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है तो ये पॉइंट सही है अब अपने से पूछा क्या है अपने से पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है तो इनकरेक्ट का क्या मतलब हो गया कि अपने दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ना फर्स्ट और सेकेंड तो अपना आंसर इस केस में क्या होना चाहिए ठीक है इस केस में अपना आंसर क्या होना चाहिए सॉरी अपना फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था सेकेंड और थर्ड रॉन्ग था तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू एंड थ्री क्योंकि अपने से इनकरेक्ट पूछा है अगर करेक्ट पूछा होता तो डेफिनेटली वन ओनली ऑप्शन होना चाहिए था ओके okay, सो so इस टाइप से क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है एंड विद डन विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम गाइस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर पीडीएफ के लिए आपने पेमेंट कर दी है और उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों वो आपको लॉगिन करके आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो जैसे भी कर रहे हो लॉगिन करके आपको माय कोर्सेज के अंदर जाना है बेसिकली एंड वहां पर आपको सारे पीडीएफ फाइल्स आपके मिल जाएंगे फिर भी किसी को दिक्कत आती है पेमेंट करने के बाद वो मुझे टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं हम उसको रिजोल्व करेंगे ओके चलिए विल सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय